आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं बिस्कोमान भवन, बापू भवन, और उसी के सामने गांधी मैदान में आज खचाखच भीड़ जमी हुई है। तमाम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। करीब देखा जाए पूरे गांधी मैदान को, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि 50,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे हुए हैं। और मौका है ओम प्रकाश राजभर, नाम जो भी राजनीति में जरा सी भी यदि दिलचस्पी रखते होंगे तो वो जानते होंगे ओम प्रकाश राजभर को। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं, राजभर की राजनीति करते हैं, तमाम बीजेपी से बगावत करते हैं, और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा पकड़ राजनीति में अभी नहीं है। उनका वोट उनके समाज के भी लोग नहीं देते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से उठकर सीधे सीधी जो है वो पहुंच गए हैं पटना के आज गांधी मैदान में। और हम आपको कुछ ही देर में उनका भाषण शुरू होगा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन जहां तक जो आंकड़े आए हैं उसमें उनके ही लोग बता रहे हैं कि करीब हम 30 लाख हैं। हमको जो है, हम दूसरे राजभर, राजवाड़, तमाम हमारे यहाँ टाइटल हैं, हमको जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। और राजभर, पहले हम राजभर को सुनवा दें आपको, सुनिए राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। उसी तरह ये राजनीति है, ये मत सोचना कि एक बार में सब कुछ मिल जाएगा, करते रहो संघर्ष यारों, पैगाम बदलने वाला है। ये नोट कर लेना, ये ओम प्रकाश राजभर आपसे इस नाते कह रहा हूं कि विरोधी कहेगा कि गैल हला तो का मिलल, जब वो पूछा कि का मिलल तो उसे कह दे जय सुहेल देव, का कहबा, वो पूछी का बोलत हुआ तो कह दिया राजपाट बोलता, का बोलता, राजपाट बोलता, कहे जय सुहेल देव बोलले मिली, तो उनसे कह दे कि तही बताओ कैसे मिली। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दो, एक तरंग उठती है, और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक साथी वो किनारे न लग जाए। उसी तरह बिहार रूपी तालाब में भारतीय समाज पार्टी रूपी कंकड़ को फेंका हूं, और पूरा हलचल तैयार है, पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में क्यों आता है। आज अभी अरविंद जी बता रहे थे, सरकार ने डाक बंगला नहीं दिया, बारे सरकार डाक बंगला मत दो, डाक बंगला नहीं दोगे तो ओम प्रकाश राजभर तेरे भरोसे नहीं, वो कुबत है। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ लाखों लोग चाहने वाले पैदा हो गए हैं, ओम प्रकाश राजभर को किसी के भी जगह रह करके इस आंदोलन को हम चलाने की तैयारी करता रहूंगा। और नीतीश जी, लालू जी, तेरे रोकने से ओम प्रकाश रुकेगा नहीं। और ये सोच रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर डर जाएंगे हमसे, कोटी हटा देंगे, तो अरे तेरी सिक्योरिटी अपने पास रखो, मेरी सिक्योरिटी नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं, देखो एक बात बता रहा हूं, अर्जुन का पेड़ कितने लोग नौजवान देखे हो, जरा हाथ उठाओ, देखे हो ना, अर्जुन के पेड़ में पतला पतला डार निकलती है जिसको वन विभाग के लोग काटते हैं, और उसी में से 2 फुट का डंडा निकाल लो, हरदी प्याज पीस के उसी में पोत लो। आप देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के जवान इधर चंदौली से आए हैं, जरा जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए, और चंदौली के नौजवानों जरा अपना आरएसएस के लोगों जरा डंडा ऊपर करो अपना, तो जो चंदौली के आरएसएस के लोग हैं, अलग अलग ड्यूटी लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आप चलो, और कहीं भी आप आए हो, आपके आने में कहीं किसी ट्रेन में कहीं कोई दिक्कत, बोलो कहीं कोई बोला नहीं, बोला घूमना चाहो पटना घूम लो, फ्री है, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराया हूं, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री है, घूमना हो घूमो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, अपने बाप को बाप कहना सीखो, दूसरे के बाप को बाप नहीं। जिन लोगों ने अंग्रेजों को लड़कर के देश से भगाया, आज उनकी कदर नहीं, चाहे राष्ट्रवीर हमारे
एतवा रजवार हो, चाहे कारू रजवार हो, चाहे जवाही रजवार हो, आज उनकी गिनती नहीं। घबराओ नहीं, 2 साल के अंदर इसी बिहार में अलग अलग जिले में इनकी भव्य मूर्ति ओम प्रकाश राजभर लगवा करके इतिहास को उजागर करेगा, देखते जाना। मैं करूंगा, अगर तेरी सरकार नीतीश जी, तेरी सरकार तेजस्वी जी चला रहे हो और हम लोगों को जानते नहीं हो, तुम सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते साथियों, अपना इतिहास उजागर करने के लिए 2 साल का इंतजार करो, 2 साल के अंदर मैं आपको वो ताकत दूंगा जो आजादी के 76 साल में किसी दल ने नहीं दिया है, वो ताकत हम आपको देने का काम करेंगे। और कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, पीला गमछा, जैसा कि साथियों ने बताया, आप ट्रेन में जाओ पीला गमछा देखने के बाद दूसरे दल के लोग समझ जाते हैं कि भाई खतरनाक नेता का आदमी भाई, बोलो, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेता बहुत खतरनाक बा, ये हिस्सा मांगला, ये लड़ाई सबका लड़त हो, यही वजह लोग परेशान हो। तो हम आपसे कहते थिला कि भाई देखा, जे जहां बैठा लो वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हुआ था, जो जहां बैठा है सब लोग खड़ा हो जाइए और हमारे साथ हाथ उठाइए, जैसे हम हाथ उठाए वैसे हाथ उठाइए। हम बोलेंगे, समझ लीजिए, हम बोलेंगे। हमने बिहार में सर्वे किया, हमारे लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन है उस पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और जो गरीब कमजोर जब बसने के लिए जमीन नहीं और सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के देती है, तो ओम प्रकाश राजभर का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, पाव से नारा लगाइए हाथ उठा के, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। हम चाहते हैं कि सरकार बनाकर 5-5 डिसमिल जमीन जो गरीब के पास नहीं है उसको बसने के लिए, जो सरकारी बंजर जीएस की जमीनें हैं कृषि आमंत्रण के करके गरीबों को खेती करने के लिए बांट दिया जाए, इस तरह का कानून हम बिहार में बनाना चाहते हैं। तो आपने सुन लिया राजभर को, मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।